हेलो बच्चों, आज हम 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको ह्यूमन आई के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसमें ह्यूमन आई को हटा दिया गया है। मतलब ह्यूमन आई वाला जो कंप्लीट पोर्शन था वो हमको नहीं पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दूसरे चैप्टर का वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है हमारा। उसके बाद हम प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का उस पे बात करेंगे। ठीक बच्चों, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके अंदर ग्लास भरा हुआ होता है। यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं प्रिज्म की एक्चुअल जो पिक्चर होती है, मीन्स जो 3D में होती है। बच्चों ये 3D पिक्चर है प्रिज्म की, लेकिन हम बार बार इस फिगर को नहीं ड्रॉ करेंगे। हम अपना नॉर्मल वाला फिगर ये वाला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रिज्म कुछ ऐसे होता है, नीचे उसका बेस होता है। ये क्या है? ये इसका बेस है और एक ये सरफेस है और एक इसके इधर वाला सरफेस है। ये दोनों इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका ये वाला सरफेस और इधर वाला, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं प्रिज्म के। ये सरफेस इसका फ्रंट सरफेस है जो कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, और ये बैक वाला सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस है। तो बच्चों प्रिज्म में पांच सरफेसेस होते हैं, ऐसे रहता है प्रिज्म हमारा। एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला, ये दोनों इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए। तीसरा एक बेस हो गया, चौथा हमारा प्रिज्म का जो फ्रंट सरफेस होगा ये वाला, और इसके बैक साइड वाला, मींस पांच सरफेस होते हैं कुल मिला के प्रिज्म में। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब हम इसमें रिफ्रैक्शन देखते हैं कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रिज्म हो गया। किसका बना होता है? ये ग्लास का। ठीक बच्चों, प्रिज्म हमारा ऐसे होता है इस तरीके से, और इसका ये वाला सरफेस और ये वाला, ये दोनों कौन से सरफेसेस हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो कोई भी लाइट रे जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। बाहर हमारा कौन सा मीडियम है बच्चों? एयर, जो कि कैसा मीडियम है? रेयरर। और अंदर कौन सा मीडियम है? हमने बताया कि जो प्रिज्म होता है उसके अंदर ग्लास भरा हुआ होता है, तो ग्लास हमारा कौन सा मीडियम है? डेंसर। ठीक, अब लाइट यहां पे प्रिज्म के इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होगी, तो हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो मैंने बताया था बच्चों कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी।
तो लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे। सपोज करो अगर ये प्रिज्म ना होता बच्चों तो क्या होता, लाइट हमारी सीधे निकल जाती। लेकिन ये प्रिज्म क्या कर दे रहा है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर दे रहा है। और कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब कैसे बेंड कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है, क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो लाइट हमारी, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब बाहर कौन सा मीडियम है बच्चों, एयर। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। तो लाइट हमारी कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर भागती है। तो इस सरफेस पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों यदि बाहर भी हमारा ग्लास होता तो लाइट कैसे चली जाती, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जाती। लेकिन बाहर क्या है, ग्लास ना होके फिर से हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, एयर है। तो लाइट क्या होगी, जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर हमारी लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो सिंपली बच्चों अगर हम समझे कि यहां से जब हम कोई लाइट रे प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तो उसका मीडियम चेंज होगा, बाहर एयर है और प्रिज्म के अंदर क्या है, ग्लास है, तो वो रिफ्रैक्ट होगी। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। अगर यहाँ पे दूसरा मीडियम ना होता, मतलब कि हमारा मीडियम चेंज ना होता, यहाँ पे प्रिज्म ना होता बच्चों तो क्या होता, ये लाइट रे ऐसे सीधे चली जाती। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास है यहां पे, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते टाइम लाइट क्या करेगी, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। फिर से जब यहां से निकलेगी इस सरफेस से प्रिज्म से, तो बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है, मतलब फिर से वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर जा रही है, ठीक है। बच्चों ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। और ये वाली कौन सी रे है, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा बच्चों, इंसिडेंट एंगल। या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो आप। लाइट यहां रिफ्रैक्ट हो रही है इस सरफेस पे, तो ये वाला कौन सा एंगल होगा, आर। आर क्या है यहां पे हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये हमारा होगा इमर्जेंट एंगल। या एंगल ऑफ इमर्जेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। बच्चों इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा फिगर बनाते हैं हम, ये हमारा प्रिज्म हो गया, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया अपना, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई नॉर्मल के साइड। फिर यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, तो फिर ये नॉर्मल से दूर जाएगी ऐसे।
बच्चों सोचो कि अगर यहां पे ये प्रिज्म ना होता हमारा तो क्या होता, लाइट हमारी सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जाती बिना डेविएट किए, मतलब बिना अपना पाथ डेविएट किए वो सीधे के सीधे चली जाती। तो प्रिज्म की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट डेविएट कर जा रही, उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन बीच में कौन आ गया, प्रिज्म आ गया, इस वजह से वो क्या हुई, ऐसे बेंड हो गई, नॉर्मल के साइड बेंड हो गई। अगर हम इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये जो एंगल होगा हमारा बच्चों, ये वाला वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में आपको डी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा। तो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जितने एंगल से लाइट डेविएट हो रही है वही एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाएगा। यदि हम इमर्जेंट रे को बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें और इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड में प्रोड्यूस करें तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, पिछले फिगर में हम बता चुके कि ये वाला एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये इमर्जेंट एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये हो गया, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हो गई।